सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजय ही पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30-40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुए, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो और कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा फिजिक्स में किस तरीके से आप लोग तुक्का लगा सकते हो। तो हमारा पूरा का पूरा एक फ्री प्लेलिस्ट चल रहा है यूट्यूब के अंदर में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके अंदर में हम लोग जेई मेन की PYQs देखते हैं। अगर आप ओरिजिनल प्लेलिस्ट की बात करोगे तो 600 से ज्यादा एपिसोड्स हैं, और अगर आप सिर्फ जेई मेन 2023 के प्लेलिस्ट की बात करोगे जिसमें 2023 के सारे वीडियोस को जो है जेई मेन के सेग्रीगेट करे हुए हैं, उसमें 100 से ज्यादा वीडियोस हैं। आपको लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर भी यार हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, और उसके अंदर में देखेंगे किस तरीके से हमारे पास में तुक्का ट्रिक्स लगता है जेई मेन के MCQs के अंदर में, राइट। एक दो वीडियो से आपका काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। 10-15-20 वीडियोस देखोगे तब आपको फील आने लगेगी कि अच्छा हो क्या रहा है, राइट। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब हम लोग यहाँ पर जो है इसको देखते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको बोल रहा है चार्ज फ्लोइंग, आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सिर्फ ऑप्शंस के बेस पे हम बढ़िया इंटेलिजेंट गेस कैसे लगा सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे आपको जो ऑप्शंस दिया है ना वो क्या दिया है देखना, आपको दिया अल्फा माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 3 बीटा। सिर्फ आप 4 ऑप्शंस को देखना। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, आपको दिया है बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, आपको दिया है अल्फा माइनस 3 बीटा स्क्वायर अपॉन गामा। चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार ये चीज बताई है, दोबारा से बताता हूं कि टीचर जो है ना वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो क्या करता है ना, आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो उसने क्या किया, उसने अल्फा के 3 ऑप्शंस दे दिए। देखना ध्यान से, अल्फा 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 के 3 ऑप्शंस दे दिए उसने। पैटर्न देखो आप खाली, जो चीज आपको ज्यादा बार दिखेगी ना करेक्ट आंसर वही छुपा होता है। जैसे आपको अल्फा यहाँ पे 3 बार दिख रहा है ना, तो चांसेस हाई है कि अल्फा में आंसर छुपा है, बीटा में आंसर कम है, चांसेस कम है। मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ चांसेस कम है। तो बीटा के होने के, चांसेस कम होने की वजह से हम यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान कम देंगे इस ऑप्शन पे। आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो आप ध्यान से देखना, यहां पर गामा स्क्वायर है ऊपर, यहां पर अल्फा स्क्वायर है ऊपर, यहां पे बीटा स्क्वायर है, यहां पे बीटा स्क्वायर है। तो बीटा स्क्वायर 2 बार आया, जो चीज ज्यादा बार आ रही है ना, समझ लो टीचर का ध्यान वहीं था ऑप्शंस बनाते वक्त। टीचर आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो उसने बीटा स्क्वायर 2 बार दिया, समझ रहे हो, बीटा स्क्वायर 2 बार दिया। तो ये जो गामा और अल्फा के ऑप्शंस है ना, उसमें आप थोड़ा सा क्रॉस लगा सकते हो, इसमें तो ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ ही, राइट। अब बात है डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर यहां पे बीटा है, यहां पे गामा है, यहां पे गामा है, यहां पे गामा है। 3 ऑप्शन में डिनोमिनेटर में गामा है, मतलब गामा को फेवर करना है। 3 ऑप्शन में जो है डिनोमिनेटर में गामा है, तो गामा को फेवर करना है। पहले ऑप्शन में बीटा था तो उस पे क्रॉस लगेगा, ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आ जाते हैं 3 के ऊपर, 3 यहां 3 डिनोमिनेटर में, यहां डिनोमिनेटर में, यहां न्यूमरेटर में, यहां डिनोमिनेटर में, 3 ऑप्शन में डिनोमिनेटर में, 1 में न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर वाला कट जाएगा। 3 डिनोमिनेटर में, 3 डिनोमिनेटर में, 3 डिनोमिनेटर में,
इसमें क्या है न्यूमरेटर में, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। कुल मिला के बेस्ट पॉसिबल तुक्का क्या है, ऑप्शन फोर्थ, और यही हमारे पास में शायद करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर देना। तो हो क्या रहा है समझना, हो ये रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलेंगे, उसकी साइकोलॉजी क्या है ऑप्शंस को रखने की वो मैं आपको समझा रहा हूं। टीचर आपको जो चीज ज्यादा बार देता है ना, समझ लो साइकोलॉजिकली वो चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तभी तो उसने ज्यादा बार दिया है। टीचर भी तो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, तो आप क्रॉस गेम खेलो उनके साथ। अल्फा तीन बार दिया है, वो सोच रहा है आपको अल्फा में कंफ्यूज करेगा, आप बोलोगे ले बेटा बीटा को कैंसिल करो। वो आपको गामा तीन बार डिनोमिनेटर में दिया है और एक बार न्यूमरेटर में दिया है, वो भी स्क्वायर के साथ में, आप बोलोगे उसको एलिमिनेट करो। थ्री आपको तीन बार डिनोमिनेटर में दिया, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन उससे आपको क्लैरिटी होगी कि थ्री न्यूमरेटर में होने के चांसेस कम है, तो आपने न्यूमरेटर वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे अगर आप एलिमिनेट करोगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में आप बढ़िया इंटेलिजेंट तुक्का लगा सकते हो, यही मेरा कहने का मतलब था। इसकी 100% गारंटी नहीं होती, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपका इस मेथड को फॉलो करके सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है सेवेंथ ऑर्बिट में। सेवेंथ ऑर्बिट में आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो समझना, सेवेंथ ऑर्बिट में हमको जो स्पीड है वो दी हुई है 3.6 × 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। हमको पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा, हमको पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट में स्पीड कितना होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का ही केस है, ठीक है। एक सिंपल सा बात बताओ, n की वैल्यू कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगा ना। अगर हमारे पास में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ये छोटी n की वैल्यू है, ये बाहर बड़ी n की वैल्यू है, और बाहर जाओगे n की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो n की वैल्यू अगर छोटी होगी तो स्पीड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा है, समझ रहे हो, डिस्टेंस कम है तो k q1 q2 / r² r छोटा होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो mv² / r से इक्वेट करेंगे हम लोग, v ज्यादा हो जाएगा, राइट। सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही तो गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो सेंट्रीपेटल फोर्स है ना सेंटर के तरफ में, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि n की वैल्यू कम होने से सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होगा, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से mv² / r ज्यादा होगा, v की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो अगर हमने 7 से 3rd में आए तो v की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस। तो इसी बेस पे हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आप देखो आपके पास में चार ऑप्शन थे, A, B, C, D। एक ऑप्शन आपका 1.8 था जो कि इससे कम है, काट दो। दूसरा ऑप्शन आपका 3.6 था जो इसके बराबर है, काट दो। इससे बड़े वैल्यूज चाहिए अपन को, तो 8.4 और 7.5 में आप तुक्का लगा सकते हो, सी या फिर डी में से आप तुक्का लगा सकते हो, जो भी आप लगाओ तुक्का आप लगा सकते हो। तो हमारा क्या 50% पॉसिबिलिटी हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही करने का, 50-50 चांसेस हो गया हमारा इस क्वेश्चन को सही करने का, ठीक है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो। अगर आप दो दो ऑप्शन एलिमिनेट करने में सफल होते हो, मान लो आपने सपोज कर लो आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ऐसे दो दो ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो उसमें से 10 सही होगा 10 गलत होगा, 10 सही होगा और 10 गलत होगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी से। 10 सही होने के आपको मिलेंगे +40 और 10 गलत होने के जाएगा -10, तो नेट क्या होगा आपका +30 का आपको बूस्ट होगा, इंक्रीमेंट आपका आएगा 30 नंबर का। तो ये अच्छा खासा नंबर है, छोटा नंबर नहीं। अगर आप 20 क्वेश्चन में भी ऐसे करते हो, 30 नंबर बढ़ाते हो, मान लो आपका स्कोर जो है 140 के रेंज में, वहां से आप बढ़ा करके 170 के रेंज में जाते हो, तो यहां आपकी जो रैंक है वो यहां आपका जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, और आपको अच्छे एनआईटीज भी मिल जाएंगे, आपको अच्छे ब्रांचेस भी मिल जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप 30-40-50 नंबर भी बढ़ा सकते हो तो आपको कम टाइम में बढ़ाने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। यार छोड़ो मत ना, वैसे भी तो 100 में आपको कुछ नहीं मिल रहा ना, अगर आप जनरल से हो तो आपको नंबर तो बढ़ाने हैं, तो अटेम्प्ट किया करो और अटेम्प्ट करो। कैसे अटेम्प्ट करें सर? ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अटेम्प्ट करो, ठीक है। आप लोग सब एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल जरूर से कर लेना, हमारा जो जेईई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में बहुत तेजी से बच्चों की एडमिशन हो रही है। ये एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है 10-12 घंटे का। अगर आपको कम टाइम में अपना स्कोर इंक्रीज करना है जेईई मेन के अंदर में, 80-90-100 इस रेंज में अटके पड़े हो, 150-170 इस रेंज में जाना है, कम टाइम में आपको साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स कैसे पढ़ाई करना है कि सारा चीज आपका फटाफट कवर हो जाए, कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है स्ट्रक्चर्ड वे में, सारे के सारे ट्रिक्स
ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगाना है उसका डेमोंस्ट्रेशन, मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करता हूं एज अ स्टूडेंट उसका डेमोंस्ट्रेशन, और फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स के यू नो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स उसके अंदर में कवर होंगे आपके। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट उसके अंदर में कवर होंगे और ओवरऑल 300-400 प्लस एमसीक्यूज उसके अंदर में है। सो कम टाइम में अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, आपको अपना मोमेंटम हाई रखना है, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में आपको झंडे गाड़ने हैं, तो ये लास्ट मोमेंट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में आपको एनरोल करो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी 20% ऑफ चल रहा है, 1999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में आप लोग एनरोल करके बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई क्वेरी आती है आपको, पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी कुछ क्वेरी है आपके, तो आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको बस जाकर के अपने डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना, आपको कोर्स सेंड कर दिया जाएगा डिजिटली। उसके बाद में आप एक दो दिन में इस कोर्स को देखोगे, ड्रास्टिकली आपको जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, अगर आप चीजों को अप्लाई करोगे तुरंत आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत खतरनाक खतरनाक रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज इसके अंदर में जो है डिस्कस करे हुए हैं, जिनको फॉलो करके बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पास्ट में करे हैं और आगे भी करेंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज मैंने हासिल करी थी, एनआईटी हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूं आप भी एनआईटी हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजय ही पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30-40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5,000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुए, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो